हेलो सेकंड क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका इंग्लिश का टर्न है, तो निकालिए अपनी इंग्लिश की बुक स्पॉटलाइट। पेज नंबर 38 पे बच्चों आपका चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे आज हम, आर नेशनल सिंबल्स, यानी हमारे जो देश के सिंबल्स हैं उनके बारे में बच्चों हम पढ़ेंगे, जो नेशनल सिंबल्स हैं। सबसे पहले आपको ये एक्टिविटी करनी है, आपको ये जो डॉटेड लाइन है इन्हें ट्रेस करना है, और ये पिक्चर जो दी हुई है इसे कलर करना है और आइडेंटिफाई करना है ये कौन सी पिक्चर है, उसका नाम फिर आप यहाँ लिखेंगे। सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों। आर कंट्री इंडिया हैज मेनी नेशनल सिंबल्स, दीज सिंबल्स आर ऑफ मच इम्पोर्टेंस टू अस। हमारा जो देश है भारत, उसमें बहुत सारे सिंबल्स हैं, नेशनल सिंबल्स जो हम यूज करते हैं और वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारा नेशनल फ्लैग, द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज अ ट्राई कलर, डीप सैफ्रन इज एट द टॉप, व्हाइट इज एट द मिडल एंड डार्क ग्रीन एट द बॉटम इन इक्वल प्रोपोर्शन। इन द सेंटर ऑफ द व्हाइट बैंड देयर इज अ नेवी ब्लू व्हील, इट हैज 24 स्पोक्स। हमारा जो नेशनल फ्लैग है बच्चों, इसमें डीप सैफ्रन कलर जो है ऊपर रहता है, बीच में व्हाइट कलर का स्ट्रिप बैंड रहता है, और जो लास्ट है उसमें ग्रीन कलर का होता है, और तीनों जो है इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं। व्हाइट के बीच में बच्चों एक सर्कल होता है जिसे हम व्हील कहते हैं, ब्लू व्हील, और ये मतलब ब्लू कलर की इसमें स्पोक्स होती है 24। नेक्स्ट है हमारा नेशनल एम्बलम, द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम सारनाथ लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका, द फोर लायंस स्टैंडिंग बैक टू बैक बट वी कैन सी ओनली थ्री एट अ टाइम। हमारा जो नेशनल एम्बलम है वो ये है, ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप ये है लॉयन कैप, ये लिया गया है सारनाथ लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका से, ये पिक्चर लिया हुआ है, लॉयंस है इसमें और चार लॉयंस है वैसे इसमें, लेकिन जब हम इसे फ्रंट व्यू से देखते हैं तो हमें केवल थ्री विजिबल होते हैं एक टाइम पर। नेशनल फ्रूट हमारा मैंगो है, नेशनल फ्लावर हमारा लोटस है, नेशनल ट्री हमारा बैनियन ट्री है जो बड़ का पेड़ होता है, नेशनल एनिमल हमारा रॉयल बंगाल टाइगर है, नेशनल बर्ड हमारी इंडियन पिकॉक है, हमारा नेशनल एंथम है जनगण मन, और उसको कंपोज किया है रविंद्रनाथ टैगोर ने, हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम जो कि कंपोज किया है, लिखा है बंकिम चंद्र चैटर्जी ने, याद रखेंगे नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी, नेशनल एंथम है जनगण मन कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो बच्चों यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है, आपको ये नेशनल सिंबल्स लर्न होने चाहिए, इसकी एक्सरसाइज सेंड की जाएगी, बुक में करनी है, वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स आप नोटबुक में करेंगे। आप निकालिए अपनी इंग्लिश सेकंड की बुक, पेज नंबर 14 पर इंग्लिश सेकंड में आपका चैप्टर नंबर 4 है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, यानी वो नाउन जिन्हें आप गिन सकते हैं। तो बच्चों जब हम अपने आसपास चीज देखते हैं तो दो तरीके की चीजें हमें दिखती हैं, वो चीज जो हम गिन सकते हैं और कुछ वो चीज जो हम गिन नहीं सकते। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताइए गिन के कि पेंसिल्स कितनी है आपके पेंसिल बॉक्स में, तो वो आप गिन सकते हैं, टेबल, टॉय, बुक, बॉय, पर्सन, रिवर, क्लाउड, फ्रेंड, टीचर, ये सब काउंटेबल नाउन है क्योंकि ये सब आप गिन सकते हो। तब कि पैसा जो है, गुस्सा, स्नो, ग्रास, लैंड, ब्रेड, म्यूजिक, एयर, ये सब चीजें हम गिन नहीं सकते, तो ये है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो मतलब चीजें होती हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं नंबर्स के थ्रू, और अनकाउंटेबल नाउन वो चीजें होती हैं जो हम नंबर्स के थ्रू काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मतलब यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें भी हमसे पूछा गया है मैंगो इज अ काउंटेबल नाउन, मैंगो को हम गिन सकते हैं, तो हाँ तो हम ट्रू पर टिक करेंगे। तो ये एक्सरसाइज बच्चों आपको पहले खुद फिल करनी है, फिर हम सेंड करेंगे, उससे आप क्रॉस चेक करेंगे। आपको समझ में आया काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? तो आज आपको बच्चों अपना इंग्लिश फर्स्ट का भी चैप्टर नंबर 5 करना है और इंग्लिश सेकंड का चैप्टर नंबर 4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, थैंक यू।